वेलकम फ्रेंड्स इन लेट्स टॉक इंजीनियर्स.com। लास्ट वीडियो में मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है और हमें कौन कौन से पॉइंट्स को फॉलो करके मेटा डिस्क्रिप्शन को अफेक्टिव बनाना चाहिए। अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो अफेक्टिव पॉइंट्स फॉर ब्लॉगर सक्सेस पर होगी। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जिन्हें आप फॉलो करके सक्सेस हो सकते हैं। ब्लॉगिंग के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है चूज बेटर टॉपिक फॉर आर्टिकल। फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि आप जब भी कोई भी आर्टिकल बनाएं तो सबसे पहले सही बेटर टॉपिक सेलेक्ट करें। अगर आपका टॉपिक अफेक्टिवली होगा तो आपका कंटेंट भी अफेक्टिव होगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये मेरी वीडियो है तो इसमें मेरा मेन पॉइंट है अफेक्टिव पॉइंट्स फॉर ब्लॉगर सक्सेस। तो एक अफेक्टिव पॉइंट है, अगर आपका टाइटल अफेक्टिव होगा तो आपके कंटेंट के पॉइंट्स भी अफेक्टिव होंगे। सो फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि जब भी आप कोई भी आर्टिकल तैयार करें उसका टाइटल या उसका टॉपिक अफेक्टिव होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑन ग्रामर एंड स्पेलिंग्स। फ्रेंड्स, आपको ग्रामर और स्पेलिंग की और भी पूरा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। जैसे फ्रेंड्स अभी मैंने किया है, कोई भी स्पेलिंग आपसे मिस्टेक हो सॉफ्टवेयर की डिक्शनरी पर जाकर आप उसे सेट कर सकते हैं। आपको स्पेलिंग्स की और भी पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई स्पेलिंग आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप डिक्शनरी से या गूगल की हेल्प से उस स्पेलिंग के बारे में देख सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके स्पेलिंग्स में मिस्टेक होगी तो आपका आर्टिकल समझ नहीं आएगा और ना ही वो आर्टिकल अफेक्टिव बन सकता है। आपको ग्रामर की ओर भी पूरा कॉन्सेंट्रेट करके अपने आर्टिकल को अफेक्टिव बनाना चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे तो आप ब्लॉगिंग में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद थर्ड पॉइंट है मेक शेड्यूल फॉर अफेक्टिव आर्टिकल। फ्रेंड्स, आपको चाहिए, सबसे पहले आपको शेड्यूल बनाना चाहिए अफेक्टिव आर्टिकल तैयार करने के लिए। अगर फ्रेंड्स आपके पास शेड्यूल है तो आप टाइम को भी सेव कर सकते हैं और अपने आर्टिकल को भी अफेक्टिव बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी आर्टिकल तैयार करें उसमें 5 मिनट्स आप इमेजेस के लिए रखें कि कौन सी इमेजेस आपको सेलेक्ट करनी है अफेक्टिव इमेजेस को सेलेक्ट करने के लिए एंड 1 आवर आप कंटेंट को राइट करने के लिए रख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप टाइम को सेव करेंगे और आर्टिकल को भी अच्छा बनाएंगे। आगे से फ्रेंड्स, आप जो भी आर्टिकल तैयार करें वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल मस्ट बी टू द पॉइंट। फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि जो भी आप आर्टिकल लिखो वो टाइटल से मैच होना चाहिए, वो टू द पॉइंट होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर टू द पॉइंट होगा तो आपका आर्टिकल अफेक्टिव बनेगा और लोग आपके आर्टिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अगर उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करनी होगी तो वो आपके आर्टिकल पर ही विजिट करेंगे। फ्रेंड्स, आपको चाहिए जो भी आप आर्टिकल तैयार करें वो अप टू डेट होना चाहिए और वो टू द पॉइंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, प्रॉपर प्लानिंग टू मेक आर्टिकल। काम करें तो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप बाज़ार में मार्केट में शॉपिंग के लिए जाएं तो आपके पास शॉपिंग की लिस्ट होनी चाहिए कि आपने कौन कौन सा सामान परचेज़ करना है। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बजट भी बना सकते हैं और आपको टाइम भी सेव कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी मार्केट में जाकर सामान परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसी तरह आपको ब्लॉगिंग में चाहिए कि आप कोई भी आर्टिकल को तैयार करना है या कुछ भी करना है तो आप को पूरी प्लानिंग से के साथ करना चाहिए। अगर आपके पास प्लानिंग है तो आप उस काम को जल्दी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रॉपर प्लानिंग टू मेक द अफेक्टिव आर्टिकल। नेक्स्ट, कलेक्ट द राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि आर्टिकल के बारे में कलेक्ट इन्फॉर्मेशन
राइट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो आप इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, न्यूज़ के थ्रू या किसी बुक्स के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन वो आर्टिकल जो आप तैयार करें वो उसके अंदर राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर राइट इन्फॉर्मेशन होगी तो लोग आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा विजिट करेंगे और आप अपने आर्टिकल को अफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपलोड न्यू इन्फॉर्मेशन। ब्लॉगिंग के अंदर सक्सेस पाने के लिए ये बेस्ट पॉइंट है, आपको सिर्फ न्यू इन्फॉर्मेशन ही अपलोड करनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को अपलोड करेंगे तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि प्रीवियस इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री में चेंज हो जाती है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप अगर आप ट्रैफिक को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन ही अपलोड करनी चाहिए, इससे आप सक्सेस के रास्ते पर जल्दी पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपलोड मोर इमेजेस। फ्रेंड्स आपको चाहिए कि आर्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस को अपलोड करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके आर्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस अटैच होंगे तो वो बेस्ट आर्टिकल होगा। फ्रेंड्स, आप एग्जांपल में भी इमेजेस को सिलेक्ट करके अपने आर्टिकल को अफेक्टिव बना सकते हैं और ज़्यादा इमेजेस को ऐड करके अपने आर्टिकल में ट्रैफिक को भी इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी इमेजेस को अपलोड करें तो आपको ऑल टैग्स की और पूरा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लीव आउट ऑल इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। लीव आउट ऑल इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन जो कि रिलेट नहीं कर रही, आपको उस इन्फॉर्मेशन को लीव आउट छोड़ देना चाहिए। आपको सिर्फ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही अपलोड करनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन टाइटल के साथ मैच हो सिर्फ आपको वही इन्फॉर्मेशन ही अपलोड करनी चाहिए। इस पॉइंट को फॉलो करने के बाद आप अपने आर्टिकल को इफेक्टिव बना के ट्रैफिक को इनक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पीपल ऑफ ऑल एज मस्ट एबल टू रीड द आर्टिकल। People of all ages must be able to read the article. Friends, आपको चाहिए कि आपको आर्टिकल अच्छा बनाना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड बनाना चाहिए, जो कि हर व्यक्ति आपके आर्टिकल को समझ सके, जल्दी से जल्दी उसे रीड करके इन्फॉर्मेशन ले सके। फ्रेंड्स, इसकी और आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस पॉइंट्स की और ध्यान देंगे तो आप ब्लॉगिंग में सक्सेस पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिव एग्जांपल्स। फ्रेंड्स, आपको अपने आर्टिकल को इफेक्टिव बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स को भी ऐड करना चाहिए। जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल देके आपको समझाया, शॉपिंग वाली एग्जांपल दी थी मैंने। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एग्जांपल्स देख सकते हैं और अपने आर्टिकल को इफेक्टिव बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जो पॉइंट मीनिंग में नहीं क्लियर होता, जो कंसेप्ट मीनिंग में नहीं क्लियर होता, वो एग्जांपल में क्लियर हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको एग्जांपल्स देनी चाहिए। अगर आप चाहें तो आप एग्जांपल में इमेजेस को ऐड करके मीनिंग को या कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्टली क्लियर एम ऑफ आर्टिकल। फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि आप जब भी कोई भी आर्टिकल तैयार करें सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन वाला पैसेज दें। इंट्रोडक्शन वाले पैसेज के बाद आप कंटेंट को स्टार्ट करें और इंट्रोडक्शन वाले पैसेज में आपको कंटेंट का आर्टिकल का एम देना चाहिए कि आर्टिकल का क्या एम है। अगर फ्रेंड्स आप इस पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आप ब्लॉगिंग में सक्सेस पा सकते हैं। फर्स्टली क्लियर द एम ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट मेक गुड लेंथ ऑफ आर्टिकल। फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि आप जो भी आर्टिकल को तैयार करें वो आर्टिकल गुड लेंथ का होना चाहिए, अच्छी लेंथ का होना चाहिए, 800 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स के ऊपर होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छा रैंक बनाने में सक्सेसफुल होंगे। फ्रेंड्स, पहले तो 300 वर्ड्स का आर्टिकल बेस्ट माना जाता था, पर लेकिन फ्रेंड्स आजकल सभी एक पेज पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं। एक पेज पर इंफॉर्मेशन देना तो
इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स एक कंसेप्ट के बारे में। जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एसईओ के बारे में है, एसईओ के बारे में एक पेज पर फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फ्रेंड्स हम बैकलिंकिंग लगाकर एक पेज पर फुल इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेक ए बेस्ट कंक्लूजन। फ्रेंड्स आपको चाहिए कि आप जो भी आर्टिकल तैयार करें उसका कंक्लूजन जरूर दें। अगर आप कंक्लूजन देंगे तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंक्लूजन हर आर्टिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो भी आप आर्टिकल तैयार करें, किसी के भी रिलेट से आर्टिकल हो, उसके अंदर कंक्लूजन का पैसेज जरूर होना चाहिए। इसके बाद आफ्टर कंप्लीट यू मस्ट रीड। फ्रेंड्स अगर आप ब्लॉगिंग में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंट को फॉलो करना होगा, आफ्टर कंप्लीट यू मस्ट रीड आर्टिकल। फ्रेंड्स आपको आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद एक बार आर्टिकल को रीड करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ब्लॉगिंग में सक्सेस पा सकते हैं। फ्रेंड्स कई बार कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं हमें जब हम आर्टिकल्स को लिखते हैं। अगर आप हम आर्टिकल को दोबारा रीड करेंगे तो हम वो मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको जब भी आप आर्टिकल को पब्लिश करें तो सबसे पहले उस आर्टिकल को एक बार रीड जरूर कर लें। इसके बाद एट लास्ट फ्रेंड ये सभी पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आप अपने आर्टिकल को पब्लिश करें। तो पब्लिश करने के बाद आप देखेंगे कि आप अच्छा रैंक बना सकते हैं, अच्छी विजिबिलिटी ऑनलाइन को इंक्रीज कर सकते हैं, बाउंस रेट को डिक्रीज कर सकते हैं और ब्लॉगिंग में सक्सेस पा सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट, ब्लॉगिंग के अंदर सक्सेस पा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप ये सभी इफेक्टिव पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप ब्लॉगिंग में 100% सक्सेस पा सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।